एसडीओ नजमे हैदर ने प्रतिष्ठित नेशनल कन्वेंशन फॉर क्वालिटी के द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में जीता प्लेटिनम अवार्ड। खबर अब विस्तार से। देश की प्रतिष्ठित संस्था नेशनल कन्वेंशन फॉर क्वालिटी द्वारा महाराष्ट्र के नागपुर शहर में 4-7 जनवरी 2024 को एक राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। सेफ्टी विषय पर प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें संपूर्ण भारत की प्रतिष्ठित कंपनियों ने प्रतिभाग किया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। सैद नगली निवासी और दिल्ली विद्युत विभाग में कार्यरत एसडीओ नजमे हैदर बीएसईएस ने एक आधुनिक विद्युत उपकरण बनाकर प्लेटिनम अवार्ड जीता। एसडीओ नजमे हैदर ने बताया कि उनकी टीम ने एक विद्युत उपकरण बनाया है, जिसके यूज करने से बढ़ती हुई दुर्घटनाओं को कम से कम किया जा सकता है। उनको इस कार्य के लिए सभी से सराहना मिली और उनको प्लेटिनम अवार्ड से सम्मानित किया गया। एसडीओ नजमे हैदर को अवार्ड मिलने पर उनके गांव सैद नगली में जश्न का माहौल है। ज्यादा प्रतिनिधियों ने पार्टिसिपेट किया और बहुत अच्छी तरीके से यहाँ काफी विषयों पर चर्चा हुई। मैं उम्मीद करता हूं कि यह कार्यक्रम आप सबके जीवन में आपको एक नई विजन देगा और अच्छा कार्य करने के लिए निश्चित रूप से प्रेरित करेगा। क्वालिटी सर्कल के इस कंसेप्ट करने के लिए निश्चित रूप से प्रेरित करेगा। क्वालिटी सर्कल के इस कंसेप्ट के साथ और संगठन के साथ मैं 95-2000 में जब महाराष्ट्र में पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर था, तब मुझे मिसेस पुनावाला और उनके ग्रुप के साथ काम करने का अवसर मिला। उस समय एक बहुत अच्छा अनुभव मुझे मिला। बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट और मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे, ये तीनों प्रोजेक्ट करने का सौभाग्य मुझे मिला। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात उस समय हुई कि मैं डिपार्टमेंट का